नमस्कार, आई एम अनिमेश दासगुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस ट्रेनर। आज आपको बढ़िया पावरफुल मोटिवेशन दूंगा, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब क्या है? अगर जिंदगी में पर्सनल हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या आप इंडिविजुअल हो, अगर आप पीछे मुड़ गए, डाउन पे आ गए, तो आपको बाउंस बैक करना है। देखिए, शेर जब शिकार करते हैं वो पीछे जाता है, बड़ा छलांग मारते हैं, उसके बाद शिकार करते हैं। इसलिए अगर आप जिंदगी में आप आना चाहते हैं, जिंदगी में डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आइए अभी बाउंस बैक कीजिए। देखिए अब्राहम लिंकन को, अब्राहम लिंकन चुनाव कितने बार हारे, लेकिन वो गिरे नहीं, अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। देखिए पेप्सी, कोका कोला, मैगी और डेयरी मिल्क कंपनी को कितने बार गिरे, मार्केट में शेयर डाउन हो गया, लेकिन वो फिर से तैयार की और बाउंस बैक की। देखिए एडिसन को, कितने बार ये जो बल्ब है उसको डिस्कवरी करने के लिए, लाइट के डिस्कवरी करने के लिए कितने बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बाउंस बैक की और लाइट को डिस्कवर कर दिया। देखिए सारे साइंटिस्ट, क्रिकेटर युवराज सिंह को लीजिए, उन्होंने कितने बार कैंसर के पीड़ित हो गए और लगा कि वो खेल नहीं सकेंगे, लेकिन युवराज सिंह ने फिर से बाउंस बैक की और क्रिकेट के मैदान में जमा दी। देखिए लीडर्स को, देखिए साइंटिस्ट को, देखिए पॉलिटिशियन हो, जिंदगी में जितने सारे लोग हैं उन लोगों को धक्का लगा, उन लोगों ने गिरा, लेकिन उन्होंने कभी वापस मुड़ के नहीं गया। कहता है कि मैं इतने दूर आया हूँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। नेवर गिव अप, हारना मना है। जिंदगी में जो आपका माइंडसेट है, इस माइंडसेट में घुसा दीजिए, मुझे हारना नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना है। देखिए एक छोटा सा कहानी आपको कहूँगा, सिकंदर की कहानी। सिकंदर कैसे जीतता? वो पूरे उनकी जो आर्म्स फोर्स है उसको लेकर वो सी बीच के करीब किसी स्टेट में घुस जाता था, और उसके बाद जो शिप्स से वो लोग आया उस शिप्स को जला देते थे, आग में जला देते थे सिकंदर। अब आर्म्स के जो लोग हैं, आर्म फोर्स के आर्मी, सिकंदर को कहते हैं, सम्राट आपने क्या कह दिया? क्यों? मेरे को वापस जाना है, अगर ये वार, ये युद्ध में हम हार जाएंगे तो वापस कैसे जाएंगे, भागेंगे कैसे? सिकंदर का कहना था, देखिए भागने का ऑप्शन खत्म, नो एग्जिट पॉइंट, हारना मना है, या तो जीतना होगा या तो मरना होगा, डू और डाई, महात्मा गांधी ने कहा था ना, डू और डाई, या तो करेंगे या तो मरेंगे। देखिए मन का हारी हार है और मन का जीती जीत है, अगर आप ठान लेंगे तो जीत जाएंगे, मान लेंगे तो हार जाएंगे। तो सिकंदर के आर्म्स जो फोर्स है, अब उनको लगा हमें भागने की कोई इरादा नहीं है, अब तो सिर्फ जीतना ही है, तो कुछ आर्म फोर्स, कुछ आर्मी मिलके उन सारे स्टेट को हरा देते थे और दखल ले देते थे। इसलिए आपको भी जिंदगी में आपका जो गोल है, जो आपका पूरी तरह से लाइफ में अचीव करने के लिए डेस्टिनेशन आपने सेट किया है, उस डेस्टिनेशन के लिए आपको जिंदगी को 5 साल तक या तो 3 साल तक बड़ी एक मास्टर प्लान तैयार कीजिए और बाउंस बैक करने की कोशिश कीजिए। आप कितने बार ठोकर खाए, आज भी जमाना इसी बात से खलता है, ये आदमी इतना ठोकर खा के सीधा कैसे चलता है। देखिए ठोकर तो आएगा, नेवर गिव अप, धक्का जिंदगी में आएगा। पत्थर दो है, एक पत्थर जो ठोकर खाया वो देवता बन गया मंदिर में, जो ठोकर नहीं खाया वो मंदिर की पटा सीढ़ी पर रह गया, उस पर जूता रखा जाता है। इसलिए ताश की जोकर अपनों की ठोकर कभी भी बाजी पलट सकता है। तो जिंदगी में अगर आपको बड़ा सक्सेस अचीव करना है तो बाउंस बैक कीजिए, कभी हार मत मानिए, क्योंकि हर सक्सेस स्टोरी के पीछे फेलियर्स है, और अगर आप फेल नहीं होंगे तो नहीं जीतेंगे। इसीलिए इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस चैनल में मैंने जो पिछले दफा एक और अब दो वीडियो किया, इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड बाय एम पॉइंट उत्तर दिनाजपुर इटाहार, उसको मैं दिल से शुक्रिया देता हूँ, आप सभी को भी थैंक यू।